एक किसान ऐसा भी, खालिद, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं और नींबू की बागवानी करते हैं। खालिद ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजी थी और उन्हीं क्लिप से मैंने यह एक वीडियो तैयार की है आप सबके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि खालिद भाई अपने बाग में जो भी कार्य करते हैं उनकी जानकारी नींबू की बागवानी करने वाले किसानों को भी मिलनी चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। आइए चलते हैं खालिद के बाग में। किसान भाइयों नमस्कार, मैं खालिद जिला सहारनपुर का रहने वाला हूं। मैं अपने बाग की एक वीडियो बना के डाल रहा हूं। ये पेड़ मेरे 2 साल 2 महीने के हो चुके हैं और मैं पिछले साल बहुत परेशान था, इन पे फल काफ़ी मोटा आया। ये देखिए, फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनका मैं बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। उनकी मैंने वीडियो देखी और फिर उनसे फ़ोन किया। उनका नाम था अनिल कुमार त्यागी जी। उन्हें मैं अपनी परेशानी बताई कि सर मैं ये फल तोड़ के ले गया था नवंबर के महीने में और इनका मंडी में भी कोई रेट नहीं मिल रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। उनकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उन्होंने मेरे साथ दुख साझा किया। आज मैं जो भी हूँ उनके कल कर्मों से काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे राह दिखाई और मैं हिम्मत नहीं हारा। फिर वो मेरे खेत पर आए और मेरे बाग की वीडियो बनाई, जिससे उन्होंने जहाँ से मैंने पेड़ लिए थे वहाँ प्रेशर डाला उन्होंने भी और मैंने भी, और 2-3 माह के बाद जाकर हमको पेड़ मिले। ये मेरे छोटे पेड़ हैं जो हमने इनके बीच में लगाए हैं। सबसे पहले मैं त्यागी जी का और नावेद जी का और जैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई रखी और मैं अपने बाग में कामयाब होने में सफल रहा। मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन अपने कार्य से प्रसन्न रहता हूँ। मैंने अगस्त माह में इन फलों की तुड़ाई कर दी थी जुलाई अगस्त में, और फिर मैंने सोचा कि जो इसी साल फरवरी में इन पे इतना फूल आया कि मेरी तबीयत खुश हो गई और मैंने जो फल रोका तो काफ़ी निकला, 10 क्विंटल के करीब 300 पेड़ पे फल आया और ये ब्रांचें नीचे झुक गई थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी कटिंग करनी चाहिए। मैंने अगस्त और सितंबर में इनकी कटिंग की। सर ने एक वीडियो भी बनाई थी कि हस्तबहार के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने इनमें अगस्त में खाद लगाया और DAP भी लगाई, गोबर की खाद भी लगाई और फिर मैंने इनकी कटिंग की। आज इस कटिंग का ये नतीजा है कि ये जो हमारा फूल है इनका फल फूल आने से 4 महीने में फल तैयार होता है। इसका मतलब ये अप्रैल और मई में चलेगा। इस ब्रांच की मैंने यहाँ से कटिंग की थी और ये इतनी ब्रांचें निकल गई कि इन पे फूल काफ़ी आया और सब बाग ऐसे ही खिला हुआ है। ये देखिए जो मई में आएगा और फल भी तैयार हो गया है कुछ, ये देखिए। खालिद भाई ने बताया कि कटिंग के बाद बहुत फूल आता है और उन्होंने हमें कटिंग के 2 समय बताए, एक बताया जनवरी में और दूसरा बताया अगस्त में। अब सवाल ये उठता है
कि कटिंग के लिए कौन सी डालियां चुनी जाएं। यह इसलिए भी जरूरी है कि लेमन और बारहमासी कागजी नींबू पर 12 महीने फूल आता रहता है। कटिंग किस प्रकार करते हैं और किन किन शाखाओं का चुनाव करते हैं कटिंग के लिए, इस पर हम जल्दी ही आपके सामने एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत करेंगे। खालिद ने बताया कि अगस्त और जनवरी माह में कटिंग करनी चाहिए और कटिंग के तुरंत बाद COC का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। यह टहनियों के कटे हुए भाग पर कोई घाव न बन जाए, इससे पौधे की रक्षा करता है। खालिद ने मुझसे एक बात और साझा की। उसने बताया कि नींबू के पौधे में कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह केवल DAP, पोटास, ह्यूमिक एसिड और गोबर की सड़ी हुई खाद ही इस्तेमाल करता है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।